वेलकम टू आवर चैनल हाउ इंडी एंड आवर शो लेट्स डू बातचीत। तो मैम, शुरुआत हम शुरू से करना चाहेंगे कि आपका चाइल्डहुड कैसे गुजरा, क्योंकि आज जिस अनुजा कपूर को हम देख रहे हैं, क्या ये शुरू से ऐसी नटखट चुलबुल थी या फिर आपके बचपन में कुछ और रूप था, आप कुछ और है? नमस्कार, मैं आपके चैनल की बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मेरी ज़िंदगी के उन सालों की बात कर रहे हैं जो मेरे शायद बहुत ही दिल में बहुत ही करीब रहे हैं और बहुत ही छुपे हुए हैं। और मैं आपके चैनल हाउ इंडी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका शो जो लेट्स डू बातचीत है वो और प्रॉस्पेरस करे और सक्सेसफुल हो, और आप हर उन लोगों के दिलों की धड़कन बने जो कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। फलक, आपने पूछा है कि मैं जैसी हूँ क्या मैं ऐसी हूँ या कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो शायद हंसना भी जानती हूँ और रोना भी जानती हूँ और सैड होना भी जानती हूँ। हाँ, मेरे कई रूप हैं। मैं क्योंकि एक अभी अगर आप जानते हैं तो मेरे मुझे शादी के 24 साल हो गए हैं, 24 ईयर्स, और मेरे दो बड़े लड़के हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत हैंडसम हैं। एक 23 साल का होने जा रहा है, इस वक्त वो सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया, और डेलॉयट के साथ काम कर रहा है, और जो दूसरा है वो 20 साल का है, अभी यहीं पर है क्योंकि अमेरिका में पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया इरवाइन में, और अपना सेकेंड ईयर कर रहा है जो यहीं से ख़त्म करेगा। ही इज़ इनटू इंजीनियरिंग और आगे जाके आई थिंक मेजर करेगा एरोडायनामिक्स के अंदर, डबल मेजर। मेरे पति मिस्टर अमित कपूर जो हैं वो MIT मणिपाल से पास आउट हैं। ही इज़ ऑल्सो एन MBA, डुअल MBA, ISO 9000 के ऑडिटर रहे हैं, और बिजनेस मैन हैं, और डेफिनेटली अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ, और सबसे ऊपर मैं एक औरत हूँ। मैं अपनी मदर की पहली बेटी हूँ और मेरी दो और बहनें हैं, उनकी भी शादी हो गई और बच्चे हैं। एक तो अभी जिम का कर रही हैं, मतलब शी इज़ अ जिम, आई वुड से जिम इंस्ट्रक्टर के अलावा आई थिंक शी इज़ अ शी इज़ डूइंग न्यूट्रिशनिस्ट जॉब, एंड बिकॉज बहुत वास्ट आजकल चीज़ें चल रही हैं। और जो माई यंगर सिस्टर, शी इज़ अ टीचर, और बहुत उम्दा दोनों बहनें हैं मेरी, काफ़ी क्वालिफाइड रह रही हैं, एंड दे आर रियली गुड एंड रियली हैप्पी इन देयर ओन फैमिली लाइफ। शुरुआत से बचपन में ही आई थिंक व्हाट आई फील कि मैं बहुत ज़्यादा शैतान नहीं होती थी, बट थोड़ा बहुत शैतान रही होंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे एक से दो ऐसी चोटें लगी हैं। अच्छा। जो थ्रू आउट मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं मेरे शैतान होने से हुई होंगी। सो मैं अपने फादर की के शोल्डर्स पर बैठ जाती थी और घोड़ा टिक टिक करती थी, आई थिंक दैट्स व्हाट, और उसके दौरान पे मैं आई थिंक आई फॉल डाउन, क्योंकि मैं शैतान होंगी तो डांस कर रही होंगी, एंड समहाउ आई मिस बैलेंस माई डैड्स हेयर एंड आई जस्ट फेल डाउन। So then that was the time I think I got stitches out here. School के अंदर मैं मतलब ऐसा नहीं रहा कभी कि बहुत ज़्यादा टीचर्स मेरी कंप्लेन करती थी या कुछ। आई वॉज़ वेरी इंक्यूजिटिव, वो ये कहती थी कि अनुजा सवाल बहुत पूछती है, बहुत इफ्स एंड बट्स करती है। और कुछ इंसिडेंट्स याद है जो मेरी मदर मेरे बच्चों को भी बताती हैं। अच्छा। और उसमें है कि मैं अपने फादर की गोद में हूँ और पापा किसी से बात कर रहे हैं, किसी आदमी से, और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, और ऊंची आवाज़ में बात करते करते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे फादर को कुछ कह रहे हैं जो बहुत गंदा है और बहुत बुरा है। तो मैं बड़ी देर तक दोनों को सर कन्वर्सेशंस को सुन रही हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं अपने फादर का चिन्ह पकड़ के और बहुत प्यार से बोल रही हूँ, पापा
पापा पापा मारो मारो बोले माय डैड और वो जो अंकल होंगे उस वक्त वो इतने हंस रहे हैं, आई डोंट नो क्या बात कर रहे हैं, बट मैं बहुत प्यार से उन्हें बहुत प्यार से उनके हाथ को बोल के बोल रही हूँ पापा पापा मारो मारो वो कि ये बच्चा कह रहा है आपको कुछ कह रहा था आप इसको मारो इसको मार क्यों नहीं रहे हो आप. दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स एंड देन सेकेंडली इट वॉज दैट कि मैं अपने मदर की गोद में टू व्हीलर स्कूटर पे आई वॉज मी माई डैड माई मदर एंड मैं उनकी गोद में बैठी हुई हूँ और यही मॉडल टाउन में मेरे मेरा मेरी मेरी मदर का पियर है तो मेरे नान के ही है तो झील के पास से गाड़ी जा रही है हमारे और उस वक्त शायद मेरे फादर कुछ मेरी मदर को कह रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ कह रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो अब मैं अपने मदर को कुछ कह रही हूँ तो मैं अपनी मदर को ये कह रही हूँ मम्मा पापा गंदी है फेंडो पानी में सो इट इज लाइक थ्रो डैड इन द वॉटर वो आपको तंग कर रहे हैं सो मतलब आई एम स्टार्टिंग से ही शायद मैं वायलेंस के बहुत अगेंस्ट रही हूँ मुझे जहाँ तक लगता है कि एक रिस्पेक्ट लेवल जो मैंने हमेशा से देखी है और वो मैं चाहती हूँ कि वो बरकरार रहे मे बी सो दिस इज़ द वे बिकॉज वो स्टार्टिंग से मुझ में रहा है कि मैं किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होते हुए देख नहीं सकती सो दीज इंसिडेंट्स लाइक टेल अस समथिंग अबाउट यू बट इसके अलावा जैसे आपने एक फील्ड चूज़ किया क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट क्या बचपन से ACP प्रद्युमन रही हैं CID की या फिर चाचा चौधरी टाइप्स भी आपके अंदर कुछ ट्रेड्स रहे थे आज तो आप मेरी सारी बातें उगलवा देंगे मैं क्योंकि जब हम अपने घर में होते थे तो हमारे साथ हेल्पिंग हैंड्स भी होते थे तो मैं हैंकरचिप का ना गन बनाती थी ओके और गन बनाकर हैंकरचिप से और जो लोग जो हमारे घर में काम करने वाले थे तो वो सब बॉय उसे थोड़ी सी ना चूरी की आदत थी मैं ना किचन के बाहर खड़े हो जाती थी अपनी गन लेकर और मैं उसको देखती थी कि वो क्या कर रहा और कहाँ जा रहा और फिर मैं उसके पीछे जाती थी रात को छुपके और यूजली कभी से घी उठा के लेके जा रहा होता था पता नहीं क्या बिस्किट उठा रहा होता था क्या करा और जैसे ही वो कुछ उठा कर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं उसके पीछे जा रही थी और उसको कहती थी मम्मी को बताऊंगी मम्मी को तो ही वॉज लाइक बहन जी ने बड़ी से सेमी अनुजा अनुजा मत बोलना बिकॉज मम्मी बहुत मारेगी फिर मेरे लिए बहुत परेशानी होगी तो मत बोलना बिल्कुल भी अच्छा हम ऐसा करेंगे वो जो आप गेम खेलते हो ना हम और गेम खेलेंगे हम ऐसा ये वाला गेम और खेलेंगे ही यूज्ड टू समहाउ ब्राइब मी एंड मैं भी नहीं चाहती थी बिकॉज आई नो हम लोग भी सब साथ में मुझे मतलब ऊंची आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी मैं नहीं चाहती थी उसको भी डांट पड़े बिकॉज दिस इज़ लाइक अ गेम फॉर मी तो मैं जाकर आई यूज टू टेल मम्मी बट दिस इज़ द टाइम वेन आई यूज टू रियली वॉक अराउंड द हाउस विद थिंग्स अराउंड और मैं अपनी सिस्टर्स के साथ खेलती थी हम लोग सब घर घर खेलते थे तो मैं कभी भी जो थी ना मैं मम्मी नहीं बनती थी मैं हमेशा से पापा बनती थी तो आई वॉज ऑलवेज लाइक द ब्रेड अर्नर सो द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस और मेरी बात सुने मैं क्यों सुनूँ मेरी बात सुने तो वो सुने मेरी बात और मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी मैं अपनी बीवी का ध्यान रखूंगी सो आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस आई वॉज यूजली ऑलवेज केयरिंग या फादर ऑफ द हाउस सो आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक दिस और मैं ही सारा काम करूँगी एंड ऑल दैट स्टफ दैट वॉज ऑलवेज मेरी सिस्टर्स लाइक 9th स्टैंडर्ड से ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था अपने घर में ओ यू नो कुकिंग आल्सो नाउ दैट्स आई कुकिंग नॉट ओनली कुकिंग आई लव सिंगिंग आई लव डांसिंग सो 9th स्टैंडर्ड से मैंने कुकिंग शुरू कर दी और आज अब देख रहे हैं कि मैं अपना घर भी संभाल पा रही हूँ मेरी शादी है और अपने मदर इन लॉ के घर में मैंने 50-50 लोगों के खाने भी करे हैं घर में रोका भी हुआ है एंड आई वॉज द वन हू यूज टू बी टोटली इन टू कुकिंग And I usually cook or there are times when I keep cooking a lot. So because that is the stress buster which you really need. You need something to stress your buster out. So yeah, that was one of the
सम ऑफ द इंसिडेंसेस विच आई हैव बीन डूइंग. अपनी बहनों को मैंने हाथ से खाना खिलाया हुआ है, तो इसलिए जब मेरे बहुत करीब हूँ, मेरी बेटियों की तरह बन गई. और यूजली ऐसा होता है जब आपके घर में बड़ी बहन होती है तो छोटों के लिए वो एक माँ के तरह हो जाती है, एक सेकेंड मदर. और मुझे आज भी याद है वो चने की दाल और चावल एक डोल हुआ करता था जिसमें दूध लाते थे, उसके अंदर उसको मम्मी कहीं बाहर गई और मैं गर्म करके उस गर्म गर्म के अंदर से हाथ से निकाल निकाल कर अपनी दोनों बहनों को मैंने खिलाया है. और वहाँ से उनको दोनों को खिलाते हुए और वो अपना कितनी क्या पिक्चर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उनको खिला रही हूँ, उनको डांट रही हूँ और उनको खिला रही हूँ. तो ये आई थिंक केयरिंग नेचर, मदरली अफेक्शन मेरा शायद शुरू से रहा है. बहुत लोगों को मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि मैं आज की डेट में भी देर आर टाइम्स की 60 से 80 साल के लोगों को भी मैं बच्चा करके बुलाती हूँ, मैं क्योंकि बेटे बात सुनो. तो वो तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं बेटा किसको कह रहे हो आप, यू नो 60 और 80 इयर्स. एंड देन और देर आर टाइम्स व्हेन कि लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगी हाँ बेटा ऐसे एक्चुअली नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इट्स लाइक तुम्हारी उम्र क्या हूँ. लाइक यार इट्स समथिंग विच इज़ देयर इन मी कि मैं नॉर्मली एकदम से ही बोल जाती हूँ कि बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समवेयर डाउन द लाइन कि आई एम वेरी क्लोज विद पीपल. मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं. सैडनेस जब मैं कहीं देखती हूँ तो फिर मुझे कंपैशन फटीक चालू हो जाता है, बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं और मुझे सबकी हेल्प करनी है. और जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं कंपैशनेट, जिसको हम कहते हैं, तो कंपैशन फटीक, मतलब आपको कंपैशन सबके तरफ आपको इतना प्यार है कि उसका फटीक हो जाता है आपको कि मुझे सभी को संभालना है, मुझे PM भी बनना है, मुझे CM भी बनना है, मुझे प्रेसिडेंट भी बनना है, मुझे पुलिस का भी देखना है, मुझे विक्टिमोलॉजी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको मैं संभाल लूँ. ऐसे ये जो इतने दूरियाँ हैं सबके बीच में, ये मेरे रहते अगर वो चीज़ ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो मैं कर पाऊँ आगे. तो क्राइम के लिए जो है वो शुरुआत से ऐसे रहा है. फिर मैंने मिल्जन बूल बहुत पढ़ी है, नैन्सी ड्रू बहुत पढ़ी, डेनियल स्टील की बहुत पढ़ी किताबें. और उस टाइम पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं शायद आके जाके आप यहाँ बैठेंगे और मैं आप मेरा इंटरव्यू लेंगी. मुझे यही लगा था कि जैसे एक नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चा पढ़ता है, वैसे ही पढ़ रही थी, नॉर्मल लाइफ है मेरी. और मैं अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही, सबने बहुत प्यार किया. टीचर जेकब मेरी क्वीन मेरी स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं और वो मुझे आज भी बहुत प्यार करती हैं और मुझे हमेशा से कहती हैं कि अनुजा तुम शीप मत बनना कभी भी. और मुझे आज तक उनकी बात याद है कि मैं कभी भी शीप नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहती थी हमेशा एक अपनी आइडेंटिटी रखना अनुजा. रोजरी स्कूल से मेरी सबसे पहले स्कूलिंग रही. रोजरी एक कोएड स्कूल था और कोएड स्कूल से मैंने पास आउट करते 9th में फिर मैं क्वीन मैरी स्कूल में गई, क्योंकि वो सिर्फ 9th तक था, लाइक 10th तक था, और बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू 12th. तो क्वीन मैरी स्कूल में मैंने एक नई चीज़ देखी. दोनों स्कूलों से, एक में कोएड से निकल कर मैं गर्ल्स स्कूल में गई, तो मेरे लिए एक चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आए हैं मेरी लाइफ में. स्कूल में भी जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने कभी अपने ब्यूटिशियन का कोई कुछ करा ही नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम 1975 बॉर्न, सो 24th October 1975 बॉर्न, एंड सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन 93 के अंदर मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया. सो 93 में फर्स्ट टाइम मैंने आईब्रोज या वैक्सिंग या कुछ भी करवाया होगा, मैंने कभी पहले कुछ नहीं करवाया. सो इट वॉज लाइक यू नो, ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के टाइम से ये चीज़ें आप 6, 8, 9, 10 साल में देख लेंगे. तो हम लोग उस तक, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि मदर, फादर एंड मदर ऑफ 3 डॉटर्स, बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड आज भी है और पहले भी रहता था. मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं और हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी किसी भी लड़के से बात करने के लिए. जबकि मैं कोविड स्कूल में थी तो मेरे घर में कोई दोस्त नहीं आते थे, कोई भी लड़का और कोई लड़की भी नहीं, मेरी एक आध फ्रेंड होती थी. और मैं किसी के यहाँ पे भी स्टे ओवर नहीं करती थी. बहुत स्ट्रिक्ट रहे मेरे पेरेंट्स, जेल नहीं है पर डिसिप्लिन बहुत रहा है. फादर मेरे आर्मी के नहीं हैं, कोरोरीमल कॉलेज से उन्होंने पास आउट किया और बहुत अच्छे, ही वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मेरी मदर मिरांडा स्कूल से, कॉलेज से उन्होंने पास आउट किया एंड शी इज़ MSc बीएड नाउ. सो वो उस, इमेजिन कि उनके टाइम से वो MSc इन जूलॉजी एंड वहाँ से उन्होंने उस टाइम से वो किया हुआ है. तो मेरा काफ़ी एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड रहा है
और शायद इसी वजह से मैं आज जो कुछ मतलब कुछ मैं कहूँगी मेरी ज़िंदगी में बहुत हिस्से रहे हैं, मैं बहुत लोगों को डेडिकेट करूँगी अपनी 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 अचीवमेंट्स। और सबसे पहले क्योंकि वो मेरा पीरियड रहा है, वहाँ पर मैंने अपने पेरेंट्स से ये सीखा कि किस तरीके से देवर नॉट टू वेल ऑफ एट दैट टाइम, और किस तरीके से उन्होंने हर रोज़ दिन में काम करते 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 और ट्यूशन्स लेते हुए, मेरी मदर, मेरे फादर, फादर ने बहुत काम किया, मेरे मदर ने ट्यूशन्स बहुत ली हैं उस दौरान से, उसके बाद उन्होंने काम करते हुए आगे की तरफ आए हैं। और वो एक पीरियड रहा है कि जब हम, मेरी मदर ने इवन दो दो साड़ियों को सिलाई करके भी पहना है। इन्होंने सिखाया मुझे कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, और ऑलवेज बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ। और आज मेरे पेरेंट्स, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आज उन्हें देखती हूँ कि उनके पास मर्सिडीज़ है, BMW है, और 1200 गज की कोठी में रहते हैं, फार्म हाउस है, जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं था, वहाँ से आपने इतना बड़ा सफ़र अपनी ज़िंदगी का लिया, और आज आप उस जगह पे आके खड़े हुए हैं कि जहाँ पर आप स्टेटस आप अपने आप को दिखा सकते हैं। इतने अच्छे घरों में शादियाँ कराई मेरे पेरेंट्स ने, मतलब हम, मैं अगर कहूँ कि सिस्टर्स को देखती हूँ तो दे आर सो वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ। इसके साथ साथ जो मेरे पेरेंट्स ने हम तीनों बहनों को वैल्यू सिस्टम दी है, वो बहुत स्ट्रांग रही है। बिल्कुल जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग को बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं था, मेरे पीछे दो बहनें हैं, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे, मेरी मदर मुझे हमेशा से कहती थी कि अनुजा ऐसा कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम मत करना कि जिसका जो असर है वो हमारी फैमिली पर आए। मेरी दोनों बहनों की शादी होनी है मेरे बाद, तो ऐसा कोई भी काम मत करना। मेरे कभी कोई बॉयफ्रेंड्स रहे नहीं, क्योंकि मैं माता सुंदरी कॉलेज में चली गई उसके बाद, फ्रॉम बॉयज़ कोएड से लेकर स्कूल से रिलेटेड माता सुंदरी कॉलेज में मैंने 93 में दाखिला ले लिया, और वहाँ पर थी शुरुआत मेरे साइकोलॉजी की। 75% पर साइकोलॉजी चालू हो गई थी, तीन कॉलेजेस थे, और उन तीन कॉलेजेस के अंदर ही उस दौरान पर साइकोलॉजी हो रही थी। So was it like you wanted to take psychology or someone inspired you to take it? Nobody inspired me. As I told you, it was what was happening ki this is, I am a very very deep thinker. Kyunki I am very emotional towards the needs of the people. I am a very deep thinker. Mujhe har cheez jo main sochti hu usme if, but, why, how ye lagati hu. Mujhe vast knowledge leni hai. जब पेपरों में निकले कि ये सब चीज़ें हैं, और क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, मैंने 11th में ही साइंस ले ली थी, मैंने उसके बाद कोशिश करा कि मैं आगे जाके डॉक्टर बन सकूँ 12th के बाद। आर्मी और CBSE के पेपर्स थे, मैंने आर्मी का भी दिया डॉक्टर का, बट मेरा उसमें चूज़ हो गया, बट माई फादर नेवर वॉन्टेड मी टू गो टू एन आर्मी हॉस्पिटल और समथिंग। सो मैं डॉक्टर क्योंकि बनना चाहती थी, तो मुझे डॉक्टर जैसा कोई प्रोफेशन चाहिए था। okay. और वो जब डॉक्टर जैसा प्रोफेशन था, तो यहाँ पर मुझे ये सामने इंट्रोड्यूस, क्योंकि सबको पता चलता है जब कौन कौन से नए सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड, इससे ऊपर मैं क्या समझ सकती हूँ। तो देन दैट वॉज द टाइम वेन आई टुक अप दिस। बहुत कम लोगों ने उसे कर लिया था, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, टीचर्स भी बहुत कम हुआ करती थी, लेक्चरर्स बहुत कम होते थे उस टाइम पर। कई लोग जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, बहुत अच्छी टीचर्स रही हैं मेरी, बहुत मैं बहुत आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि जो मेरे प्रोफेसर्स रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे उस टाइम पर। और इवन कॉलेज में भी मेरा कोई अफेयर नहीं था, मैं कर ही नहीं सकती थी, आई वॉज नॉट प्रिविलेज टू हैव एन अफेयर, आई कांट। क्या मुझे इस बात का बुरा है, क्या मुझे इस बात की रंजिश है? नहीं, मुझे ना इस बात का बुरा लगता है ना इस बात की रंजिश है, नहीं तो आज मुझे मेरे हस्बैंड मिस्टर अमित कपूर नहीं मिलते। आई एम सो क्लोज टू हिम, ही इज़ नॉट माई हस्बैंड, ही इज़ माई फ्रेंड। और क्योंकि हम मियाँ बीवी नहीं हैं, हम एक दोस्त हैं, तो वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक, मैं कहूँगी कि हमारे रिलेशनशिप को आज अगले साल मेरे जो 25 साल हो जाएंगे शादी के, सो मैं इतने करीब आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी के एक पड़ाव पर। और आज बच्चे जो हैं वो लोग भी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाउ मॉम एंड डैड लव ईच अदर। हम दोनों के बीच में फिज़िकल बहुत रहा है, हम एक दूसरे को बहुत फिज़िकली टच करते हैं, बैठे हैं, हाथ में बात लगाएंगे, बात करेंगे, हक करेंगे। तो बच्चों ने ये देखा है कि शादी में कहीं ना कहीं फिज़िकल टच होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अगर आपके बीच में कहीं फिजिकल टच नहीं है तो आप एक दूसरे से दूर हो जाते हो। मेरा ऐसा वक्त भी रहा है कि 96 में मैंने जब साइंस के बाद साइकोलॉजी के बाद फिर जब मैंने 20th May 1996 आई गॉट मैरिड, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट इन द मॉर्निंग। माई मदर हैज़ सीन 72 गाइज एंड मैंने सिर्फ एक ही देखे थे, इनको देखा था मिस्टर अमित एंड यू सेड यस। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे यस और नो की। वाई? नो बिकॉज आई टोल्ड यू कि आई थिंक आई वॉज द वन हु रियली ट्रस्टेड माई पेरेंट्स एंड यहाँ ऑप्शंस नहीं थी मेरे पास। मुझे मालूम था कि वो देख रहे हैं लड़के, तो मुझे मालूम था कि मेरे लिए ठीक ही करेंगे क्योंकि मैं अपने लिए नहीं ढूंढ सकती थी। और जब मैंने अपना सब कुछ अपने पेरेंट्स को दे दिया था तो उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा था कि अगर हम लड़के ढूंढ रहे थे तो मेरे में क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। मैं कहा मुझे ना मूछे और दाढ़ी वाला बंदा बिल्कुल पसंद नहीं लगता। कॉलेज के अंदर थी तो अपना मेरे पेरेंट्स ने कुछ टाइम पहले मुझे बोला कि अनुजा इस तारीख को तुम्हें तैयार हो जाना है। और तैयार का मतलब ये नहीं कि पार्लर वार्लर जाना, ये कपड़े हैं ये पहन के तैयार हो जा और शाम को तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लड़के वाले देखने आएंगे। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से बट आई वेंट टू द कॉलेज आराम से उस दिन स्कूल कॉलेज। एंड नॉर्मली मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रही हूँ और मैं घर आ रही हूँ और आई मतलब मुझे मोमेंट ये पता नहीं चल रहा कि मैं क्या मतलब मुझे क्या सोचना चाहिए क्या समझना चाहिए क्योंकि हर एक जिंदगी में ये टाइम आता है। और आई थिंक दैट वॉज अ टाइम वेन आई जस्ट सॉ अमित, ही वॉज जस्ट कमिंग इन साइड एंड आर ड्राइंग रूम उधर देर। और द बेस्ट थिंग, दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी अमित की, उन्होंने सूट पहना हुआ था और एक हाथ इनका पॉकेट में था और जस्ट स्टाइल से ये लोग ये अंदर आए थे। सो मेरी सिस्टर्स कहती है जीजू कितने सुंदर है ना, एंड आई वाज लाइक लुकिंग एट माय सिस्टर्स जीजू इज लाइक ओके। सो मतलब ठीक है, मतलब आई नो आज भी टाइम है खास कई लड़कियां हैं वो अपने पेरेंट्स के, बट मुझे खुशी है कि ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय। और एक और उस टाइम पे बात ही थी कि हम लोग गाजर का हलवा डाल रहे थे और मैं तो ऊपर ही नहीं देख रही थी, पता नहीं क्यों मुझे क्यों शर्म आ रही थी। और आज के टाइम पे तो मैं ये गॉट फ्लैटेंड इन वन, अरे यू विल नॉट बिलीव, मैं उनको गाजर का हलवा डाल रही हूँ एंड ही जस्ट इसकी प्लेट ऐसे ही है और वो मुझे देख रहे हैं और मैं गाजर का हलवा डाले जा रही हूँ। अब थोड़े में गाजर का नीचे गिर जाएगा, वो डाले जा रही हूँ एंड ही जस्ट लुकिंग एट मी। तो बाकी सब कह रहे हैं मतलब इतना खा लेगा तू अमित, इतना गाजर का हलवा बहुत है तेरे लिए, कितना खा लेगा जितना है, अब थोड़े में नीचे गिर जाएगा। सो दैट इज़ द टाइम हम दोनों इतना हंसे हो सका था। और फिर इन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे एक दो कि अकेले में बैठकर, और सब लोग बाहर कान लगा के सुन रहे थे और हम लोग कमरे में बैठ के बात कर रहे थे कान लगा के सुन रहे थे। तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि अनुजा मेरा घर तुम्हारे घर की तरह इतना बड़ा नहीं है बट एडजस्ट कर पाओगे। तो मैंने सवाल का जवाब ये दिया पर मैं शायद स्टार्टिंग से ऐसी थी शायद आई डोंट नो फिलोसफिकली, जो घर है ना वो दीवारें नहीं बनाती वो ना लोग बनाते हैं, मुझे घर में रहना है दीवारों में नहीं। सो आई वाज लाइक जी ठीक है एंड दैट वाज द टाइम आई थिंक बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट किया अपनी शादी के बाद, हम हंसते थे इससे। तो बहुत मैथडोटिकली आई वाज सेइंग दिस कि मैं आई कैन एडजस्ट। एंड देन सेकेंड चीज़ जो मुझे अमित की पसंद आई वो थी कि मेरे घर का ना रैंप था, मेरे मदर के घर का तो रैंप ना बहुत हाई स्टीप था तो उनकी मदर को उतरने में परेशानी हो रही थी, सब लोग आगे चले गए तो उनकी मदर पीछे थी। तो इन्होंने अपनी मदर को पीछे मुड़कर हाथ दिया और उस वक्त वो उतार रहा था। तो मैंने कहा इसी लड़के से शादी करनी है। सो माई मदर सेड वाई, मैंने कहा जो अपनी मदर को इतना प्यार कर सकता है ना वो मुझे ज़रूर प्यार करेगा। आज वही है कि मैं कहा ही इज़ बॉर्न फ्रॉम अ क्वीन, तो जो ये सिखा सकती हैं तो वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। और आज देखो आप, आई एम रियली हैप्पी और मैं आज जो भी हूँ, सेकंड हाफ जो मेरी शादी के बाद करा है मैं अपने पति की वजह से भी। सो फ्रॉम देयर एक्चुअली लुक लाइक आई एम वॉचिंग अ फिल्म, आई कैन एक्चुअली इमेजिन इट गोइंग इन माई माइंड। सो आई वुड लाइक टू नो हाउ वॉज योर जर्नी लाइक आफ्टर द मैरिज।
मेरी मदर ने विदाई के टाइम पर एक बात कही थी कि मुझे लगता है मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं, लड़कियों के पेरेंट्स जो उस टाइम पर रहे हैं, आज के वक्त में मेरी लड़की होगी तो मैं ज़रूर कहूँगी, पर मैं कुछ और भी कहूँगी, बट एट टाइम मेरी मदर ने कहा था कि क्लीन स्लेट की तरह जा रही हो, मोल्ड होने की कोशिश करना। मेरे घर में, मतलब माय मदर हाउस, मेरे घर में तब आना जब अमित के साथ हो, निभाने की कोशिश करना, डोली उठ रही है, अर्थी में वापस आना। तो दिस इज समथिंग विच इज आई थिंक माय होल लाइफ हैज बीन फुल ऑफ थिंग्स अराउंड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट माय मदर आल्सो सेड समथिंग लाइक दिस। बट आई वाज नेवर अ रिपल्सिव पर्सन उस टाइम पर, जो कहें अच्छा बुरा, हम लोग तो सिर्फ एक टाइम होता है पार्लर निकलते हैं उसके बाद से घर में ही नहीं आते हैं, शादी के टाइम पर वो पार्लर में निकलते हैं और उसके बाद अपनी माँ का घर नहीं देखते हैं, अचानक एक ही रात में एक ही दिन में उसी वक्त एक बेटी अपने घर को छोड़ देती है। तो ये एक औरत, एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग किस तरीके से ट्रेंड होती हैं, हम कैसे अपने माँ का घर एक सेकेंड में छोड़ती हैं और एक सेकेंड में घर को अपनाती हैं, एक रात हमारे को मिसेस कर देता है, एक रात में हमारी फैमिली चेंज हो जाती है, हम एक नए घर में, सुबह का जो दिन होता है ना बहुत डिफरेंट दिन होता है, सुबह का दिन जब होता है ना आप एक दूसरे घर में देखते हो, आप यहाँ से भाग नहीं सकते, यू मैरिड, मैरिड का मतलब है कि तुम भाग नहीं सकते यहाँ से। और 20 साल की मैं उस टाइम पर खुद छोटी थी और जॉइंट फैमिली में उनका एक सिस्टम खुद होता था, वो 4 बजे के करीब खुद उठते थे और 4 बजे के करीब उनके यहाँ पर होता था सिस्टम की वो उठ के चाय वाय बनाते, तो मुझे, मैं रात को चाहे लेट सोई हो कुछ, मैं सुबह 4 बजे उठती थी। उनके घर के सिस्टम के हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला, उनके यहाँ पे खाना बन जाता है जल्दी, तो 5 बजे वो पूरे घर में खाना बना देते हैं, तो सुबह मैंने 5 बजे का खाना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्रिटिक्स नहीं करूँगी किसी भी चीज़ से, मैंने ये सब चीज़ें सीखी और आज मुझे शेप करने में ये सब चीज़ें बहुत काम आई। सो दैट इज़ वेयर कि ये सब चीज़ें इतनी काम आई मेरे कि आज मैं आज घर में अगर 4 बजे सोती हूँ उठती हूँ, मेरा कोई टाइम पीरियड नहीं है, मैं अपने घर में काम कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पर काम किया और उनसे मैंने ये सीखा कि किस तरीके से आप पैसा देकर आप काम कैसे करवाया जा सकता है। मैंने अपने फादर इन लॉ से सीखा कि फाइनेंस को कैसे हेल्प किया जाता है, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से सीखा कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। तो मतलब उस उम्र में जब मैंने 6 महीने के दौरान ही आई गॉट प्रेगनेंट एंड इन 21 आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड एंड 23 आई हैड माई सेकेंड चाइल्ड। और आप जहाँ खुद बड़े हो रहे हो वहाँ पर आप बच्चों को भी बड़ा कर रहे हो। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप में खुद में वैल्यू सिस्टम क्या है और आपको वो वैल्यू अपने दोनों बच्चों में भी डालना है। 13 साल अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दिया, उसके बाद मैंने पढ़ाई दोबारा से शुरू करी है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट ना होने की वजह से मुझे 13 साल मैंने अपने बच्चों को दिया। तो 13 साल बाद मैं जॉइंट फैमिली से भी हटकर न्यूक्लियर फैमिली में आई। उसी दौरान मुझे पता चला कि मुझे पिट्यूटरी एडिनोमा है, जिसको कहते हैं ट्यूमर ऑफ द ब्रेन। और वहाँ पर मुझे जब इस बात के बारे में 2007 में पता चला, तो मैं उस वक्त अकेली थी जब मुझे इसके बारे में पता चला, क्योंकि माय हस्बैंड वाज इन द फैक्ट्री। तो वो पिट्यूटरी एडिनोमा रहा, फिर उसके बाद मैं तो उसी टाइम पर अपने नए घर में शिफ्ट भी हो रही थी, मैंने पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मैं मरूंगी नहीं डेथ बेड पर, मतलब मैं उस वहाँ नहीं मरूंगी, मैं अपने आप को, क्योंकि पोस्ट सर्जरी के बाद मैंने ये सोच लिया था कि आई विल नॉट सिट डाउन। और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी क्रिमिनोलॉजी, फिर उसके बाद मतलब नॉन स्टॉप मैंने पढ़ाई करी 2007 से। मैंने अपने नए घर में, मतलब आई केम ऑन रेंटेड हाउस, ये अब मेरा, फिर बाद में मैंने अपना नया घर भी लिया अपने नाम पर। सो इट इज़ 4 से 5 बार मैंने रेंटेड हाउसेज में रही हूँ। लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत उस तरह से है, हर एक ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, बट मुझे लगता है कि उसे अपने आप में एक हुनर की तरह लेकर आना चाहिए। लोग मेरे बारे में जो समझते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार और इतना लगाव देते हैं मुझे। बहुत मेहनत करी है मैंने यहाँ तक आने के लिए और कोई भी चीज़ ईजी नहीं रही और मैं ईजी रहना नहीं देना चाहती थी, नहीं तो मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। सो एंड देन इन 2007 आफ्टर वट एवर सिचुएशन हैपेंड एंड आई टुक लॉट ऑफ पेन्स इन टेकिंग अप माई स्टडीज़ ऑल्सो, फिर मैंने अपने आप को खड़ा किया।
फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी तो मैं पढ़ी रही थी, जर्नल्स पढ़े हैं, मैं इंडिया से बाहर गई हूँ, सिम्पोजियम्स अटेंड करे हैं, वहाँ पर जाके ऐसे स्पीकर, अब उस टाइम एक वक्त ऐसा आ गया मैं स्पीकर बन गई बाहर इंटरनेशनली, अब फाउंडर हूँ साउथ कोरिया में, फाउंडर एग्जीक्यूटिव बॉडी में बैठी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एडवोकेट बन गई, नॉन स्पीकर ऑल्सो, आई एम अ टेड स्पीकर ऑल्सो, तो मतलब या सो इट दैट कम्स नॉन स्टॉप, जिस पूरे दौरान मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया, और मैं हमेशा से उनके लिए ग्रेटफुल रहूँगी कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों की माँ बन सकी और अमित की वाइफ बन सकी, और मुझे ये बात देखकर और सोचते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। देर आर टाइम्स वेन बहुत चीज़ें रही हैं हमारी लाइफ में, बट ये सब चीज़ें क्योंकि सबको पता है कि ये बॉम्ब है जो मेरे अंदर वो टिक कर रहा है, तो शायद हम चारों जो हैं हर रोज़ एक एक दिन जीते हैं, एक एक सेकेंड जीते हैं, कि बच्चों को जो हमेशा से डर रहता है कि वन डे माई मॉम विल नेवर गेट अप, एंड आई थिंक माई हस्बैंड ऑल्सो फील्स दैट मे बी वी शुड बी, आई डोंट नो, बट येस आई थिंक सो समवेयर, तो या वी हम चारों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हैं, और मैंने अपने बच्चों को भी कोशिश करी है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंसान, एक सिटीजन बनाकर सोसाइटी में मैंने भेजने की कोशिश करी है, और बच्चे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक औरत की वो भी इज्जत करेंगे, उनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ में भी रही हैं, और अभी तक दे हैव मेड मी प्राउड, और मुझे यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसी लड़की आएगी जो जिनसे वो शादी करना चाहेंगे और घर बसाना चाहेंगे। लाइफ स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में होते और होने चाहिए, क्योंकि यही आपको डिफ़ाइन करता है कि आपकी ज़िंदगी क्या है और आप कैसे खड़े हो सकते हो। कहते हैं कि कवि और जो सिंगर वो कभी भी अपने लेवल पर नहीं पहुंच सकते जब तक उनके दिलों में दुख ना हो, और व्हाट डज नॉट अलाउ मी टू लीव दिस इज़ इट। I am very very helpful and thankful and grateful कि ये सब चीज़ें मेरे साथ रह रही हैं, ताकि मैं हर एक विक्टिम को समझ सकती हूँ, उनको उनके साथ चीज़ें देख सकती हूँ। मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मेरे भी इन-लॉज रहे हैं, प्रॉब्लम्स हर एक के घर में होती हैं, मैं आज भी उनको उतनी ही इज्जत देती हूँ जो मैं पहले देती थी, डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं थ्रू आउट अपनी फैमिली में रही हूँ और आगे भी काम करती रहूँगी इरिस्पेक्टिव ऑफ मैंने थिंग्स अराउंड। सो अनुजा जी, माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ऑल ऑफ द गर्ल्स हु आर राइट नाउ वॉचिंग यू, एंड दे वुड लव टू नो दैट हाउ कम यू like maintained yourself even after having two grown up kids, what's the secret behind your beauty and success? Palak, ye to question mujhe tumse bhi puchna chahiye. No, I feel aap log dekh nahi sakte hain, camera ke piche bhi bahut handsome guys baithe hain, aur handsome hona ya beautiful hona main bodily मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ एक सोल के अंदर, और यहाँ पर इस वक्त जो ऑरा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उस साइड में हैं, बहुत पॉजिटिव है, और मैं यही मानती हूँ कि इनके इन्होंने जो भी घर हैं वो बहुत अच्छी फैमिली से लोग बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि राइट नो जो इज्जत मैं यहाँ पर पा रही हूँ वो बहुत इट्स बियॉन्ड माई वर्ड। और जो ब्यूटी की बात कर रहे हैं, मैंने वही कहा कि एक ब्यूटी होती है आपकी बॉडीली ब्यूटी रहती है। मैंने अपने दिल पे काम किया है, अपनी आत्मा में काम किया है, और क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ, बहुत चीज़ें देखी हैं मैंने, तो क्रिटिक्स को मैंने अपना साथी बना लिया, मेरे बहुत दोस्त नहीं हैं। लोग मुझे कहते तो हैं, अनुजा जी आप सक्सेसफुल हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आपके बहुत दोस्त हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, बट यहीं पर एक हम लोग भूल जाते हैं, सुशांत सिंह की तरह अगर आप समझें तो सक्सेसफुल होना आपके सक्सेस का मापदंड नहीं है। हम सक्सेसफुल होते हुए भी लोनली होते हैं, बट मुझे इस बात की खुशी है कि मैं घर आती हूँ किसी के पास, मेरे पास कोई है, बट सक्सेसफुल जो होना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि आप इस रास्ते में बहुत अकेले हो जाते हैं। व्हाट आई विल टेल फ्रॉम योर चैनल टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर, सबसे पहली बात यह है कि आप कभी ये मत देखें कि आप माँ बन गई हैं, या आप एक बीवी हैं, या आप किसी की बहू हैं, रोज़ आप स्विच कर रही हैं, पर आपका क्या ध्यान जो केंद्रित होना चाहिए वो होना चाहिए अपने आप पर भी। आप सेल्फलेसली अपने आप को दे रही हैं, 5 मिनट अपने ऊपर लगाइए, वो 5 मिनट में आप अपने आप को अनवाइंड कर सकती हैं, आप कोई म्यूज़िक सुन सकती हैं, ग्रीन टी पी सकती हैं,
आप 5 मिनट में अपनी मदर से बात कीजिए, अपने अपनी फैमिली में किसी और से बात कीजिए, टांग ऊपर करके रिलैक्स कीजिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकती तो आप किसी और को अपना वक्त नहीं दे पाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान रखें। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं बहुत मेहनत इस तरह से है कि एक, मैंने स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत तैयार किया है 2 साल में। पॉजिटिविटी मेरा सबसे बड़ा भगवान है, आप जिनका नाम लेते हैं आइडल्स में, मेरे लिए भगवान है मेरे कर्मा। और मैंने कोशिश किया है कि मैं कर्म अपने इस तरह से रखूं कि मैं आगे बार बार आप लोगों के लिए खड़ी रहूं, तत्पर खड़ी रहूं। और वो जो सेल्फलेस गिविंग है ना, अनकंडीशनल लव है, वही आप तेज कहीं शायद देख पा रहे हैं या ग्लो देख पा रहे हैं। ये प्यार है मेरा प्रति आप सब की तरफ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जर्नी बहुत शॉर्ट है और शायद इस शॉर्ट जर्नी में मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, सब कुछ देना चाहती हूँ। इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज हुआ, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई एक ऐसा मोमेंट आया जब आप, या तो आपको लगा हो कि या मैं हार रही हूँ या फिर आपकी आँखों में आंसू आए हों? मेरी आँखों में आंसू आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, क्योंकि मैं विक्टिम नहीं हूँ, सर्वाइवर रही हूँ हमेशा से, और क्योंकि ये मैं बिलीव करती हूँ इसलिए मेरी आँखों में आंसू नहीं आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डिप्रेशन नहीं होता है। आंसू आए भी हैं अगर तो मैं अपने बाथरूम में लोनली क्वाइटली कोने में जाकर बैठकर अपने आप को काउंसलिंग खुद की है, क्योंकि लोग आपको काउंसलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब लोग आपको से ही काउंसलिंग करवाते हो तो कोई आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकता, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। बट मेरे काउंसलर मेरे पति हैं तो वो ज़रूर मुझे प्यार करते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं। कौन सा ऐसा वक्त मेरा 2 टाइम पर जब मेरे मेरे बड़े वाले बेटे को ये कहा गया कि उसको ल्यूकेमिया है, दैट वाज व्हेन 21 इयर्स ऑफ माय एज, जब बड़ा वाला पैदा हुआ मेरे, उस दौरान पर किसी डॉक्टर ने, मेरा बेटा एनेमिक था शायद, कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन पोजिशन पे था, क्योंकि दूध ही पीता रहता था, उस वजह से उसकी बॉडीली फंक्शन इस तरीके से हो गया था कि लोगों ने, मतलब डॉक्टर ने बोला कि उसको ल्यूकेमिया है जबकि उसको नहीं था। तो उसमें उसको उस हिसाब से फिर मैंने वर्क किया। सेकेंडली जब मेरा छोटा वाला बेटा, जब वो 23 ईयर्स की थी और तब जब वो पैदा हुआ तो उसके अंदर डॉक्टर्स ने ये कह दिया था, क्योंकि उसके ना मेकोनियम में, मतलब उसकी छाती के अंदर उसकी खुद की ही स्टूल जो है वो 100% ब्लॉकेज में आ गया था और 98% पे था। तो वो एक पीरियड था ज़रूर जब मेरे बच्चे के बारे में, दोनों बच्चों के बारे में जब मुझे पता चलता था, तो मैं एक मिनट माँ हूँ, 9 महीने बच्चों को पेट में रखा है, तो उस दौरान पर जब बच्चों के बारे में पता चलता है, अब मेरा बड़ा वाला और भी ठीक है, छोटे वाला भी जो डेथ बेड पे था वो भी ठीक है, वेंटिलेटर टाइम पर मिल गया और फिर चीज़ें रही हैं थ्रू आउट, वो एक वक्त रहा है जो मेरे लिए बहुत इमोशनल रहा है। और पर मैंने कभी हार नहीं मानी और मैंने हमेशा से आई बीन ऑलवेज स्टैंडिंग विद माई चिल्ड्रन, और बच्चों के बीच में आज भी कहीं ना कहीं जो गैप है वो हमेशा से मैंने ब्रिज ही करने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि हमारे साथ आज मौजूद थी मिसेस अनुजा त्रिहान कपूर, जैसे जिनके वैसे तो बहुत रूप हैं, ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, विक्टिमोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, काउंसलर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, लेकिन आज हमने आपको इनका एक अलग रूप दिखाया। आज अनुजा जी ने हमारे साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करी जो कि आप लोगों को भी इंस्पायर और मोटिवेट कर सकती है, और हमें उम्मीद है कि आपको इससे इंस्पिरेशन ज़रूर मिला होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ से डिप्रेस हो चुके हैं। तो आप अनुजा जी को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा।